हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आपका मेरे चैनल देव एमटीआर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले आपको गाड़ी की कंडीशन कैसे चेक करनी है, इंजन की कंडीशन, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी का डेंट पेंट ओरिजिनल है या नहीं, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी के इंजन की कंडीशन को चेक करेंगे। इसके लिए हम गाड़ी के बोनट को खोलेंगे, गाड़ी में सेल्फ लगाकर इंजन को स्टार्ट कर देंगे। गाड़ी में सेल्फ लगाने के बाद अब आप इंजन की कंडीशन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इंजन ऑयल का जो गेज होता है आपको उसको निकालना है, जिससे इंजन के ऑयल की क्वांटिटी पता चलती है। तो इंजन का जो गेज है मैंने निकाल लिया, इसका जो ऑयल है उसकी जो क्वालिटी है अभी तो ठीक है। और इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि ये जो गेज हमने जिस क्षेत्र में से निकाला है, यहाँ से निकाला है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें से कहीं वाइट कलर का स्मोक तो नहीं दे रही गाड़ी। सागर, इस छेद में से अगर आपको सफ़ेद कलर का धुआं आता है तो उस गाड़ी को आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी का इंजन होने वाला है। इसके बाद आप गाड़ी का यहाँ से कूलेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ब्रेक ऑयल भी चेक कर सकते हैं। ब्रेक ऑयल आपका यहाँ तक है, कूलेंट आपका यहाँ तक है। इसके बाद आप थोड़ा सा एक्सीलेटर देंगे और उसी जो गेज जो हमने निकाला है उस छेद में से देखेंगे कहीं स्मोक तो नहीं आ रहा। तो मैं गाड़ी का एक्सीलेटर लगाकर आपको प्रॉपरली दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए बिल्कुल भी इस गाड़ी में स्मोक नहीं आ रहा है, वाइट कलर का या ब्लैक कलर का किसी भी टाइप का। तो इसका मतलब गाड़ी की कंडीशन थोड़ी ठीक है। इसके बाद आप गाड़ी में इंजन की लीकेज चेक करोगे। गाड़ी में इंजन जो है ऑयल कहीं लीक तो नहीं कर रहा, जैसा कि आप देख सकते हो इस गाड़ी में इंजन जो है लीक हो रहा है, इंजन ऑयल लीक हो रहा है। इसका मतलब गाड़ी इंजन खा रही है। तो इसका रीज़न मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि इसका स्पार्क प्लग में जो है एक सिलेंडर से ऑयल आ रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इंजन लीक की प्रॉब्लम मैंने बता दी, स्पार्क प्लग में से ऑयल आता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर इसकी जो सील होती है वो कट जाती है तो उसकी वजह से भी ये इंजन लीक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोस्तों आप डीजल की कार खरीद रहे हो तो जो ऑयल का जो ढक्कन होता है जहाँ से हम इंजन ऑयल को फिलअप करते हैं, वहाँ से इस ढक्कन को खोलना है। और वहाँ से अगर डीजल की कार ले रहे हो तो आपको चेक करना है कि गाड़ी बैक कंप्रेसर तो नहीं ले रही। यहाँ पे इंजन गाड़ी को जब ठंडी हो तब स्टार्ट करने के बाद आपको चलाकर देखना है, गाड़ी आपको जो हाथ होता है हथेली को लगाकर अगर आप कहीं आपको जो सकिंग तो नहीं कर रही, अंदर की तरफ तो नहीं खींच रही, तो उस गाड़ी को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसका मतलब कि गाड़ी का इंजन होने वाला है। तो गाड़ी की बैटरी को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि 10 से 12 बार गाड़ी में सेल्फ लगाकर देखना है। अगर इससे आपकी जो इंजन की कंडीशन भी पता चल जाएगी और गाड़ी की बैटरी की कंडीशन कैसी है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। तो एक्सीडेंटल के लिए आपको क्या चेक करना है कि जो इस टाइप की पट्टी होती है ये जो है आपको कंपनी से लगी हुई आती है। अगर ये आपकी पट्टी नहीं है, अगर गाड़ी में आगे से ठुकी हुई है, गाड़ी में डेंट हुआ है, तो क्या होता है कि यहाँ से जो है डेंट करने वाले इसको काट देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि अंदर से जो वो डेंट करके इसको ठीक कर सकें। तो आप देख सकते हो, इसको मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, देख सकते हो गाड़ी पे बिल्कुल भी डेंट नहीं है। इसका मतलब ये बोनट इसका जेन्युइन है जो कंपनी के साथ आया था। अब आप ये कैसे चेक करें कि गाड़ी जो है आगे से ठुकी हुई है, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है आगे से हल्का सा। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो ये यहाँ से इसकी जो प्लेट है जो कंपनी के साथ आती है, ठीक है, यहाँ पे ये हल्की सी टेढ़ी हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेढ़ी हो रही है। और आप कुछ भी मत देखना, मेन चीज़ यहाँ से आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर होता है। इस प्लेट को आपको चेक करना है, ये प्लेट अगर आप पेच से कसी हुई है, आपको स्क्रू ड्राइवर से कसे हुए पेच अगर इसमें लगे हुए हैं, तो 101% उस गाड़ी को पहले टच हो चुकी है वो गाड़ी। क्योंकि जो जेन्युइन प्लेट होती है ना, ये प्लेट जो है दोबारा से लगाई गई है, ये इस कंपनी के साथ में नहीं आई थी। क्योंकि कंपनी जब भी आपको प्लेट लगाकर देती है तो आईलेट लगाकर देती है, इंस्टॉल करके देती है, तो ये पेच लगाकर कभी नहीं देती। तो पेच वाला बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है आपका इससे चेक करने के लिए। इसके बाद आपको गाड़ी में डस्टिंग देखनी है, गाड़ी में कहीं गलावट तो नहीं है, गाड़ी बहुत मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस साइड में हल्की सी इसमें गलावट है, रस्टिंग आ रखी है, और गाड़ी कहीं से एक्सीडेंटल तो नहीं है। तो अंदर की साइड से देख सकते हो जो गाड़ी के जो जेन्युइन था, जो सील थी, वो बिल्कुल जेन्युइन है। यहाँ से कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है, मेजर एक्सीडेंटल नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी ये गाड़ी लगी हुई है। इसके साथ ही आप लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी यहाँ पर रस्टिंग नहीं है, थोड़ी सी रस्टिंग है,
तो आपको वो मैनेज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक्सीलेटर का हाथ लगा के आपको इंजन में देखना है कि कोई साउंड तो नहीं है, कोई गाड़ी में क्रैंक का और रिंग पिस्टन का कोई साउंड तो नहीं आ रहा, कोई मोटा मोटा टाइप का साउंड तो नहीं आ रहा, उसको भी आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों साइड से चेक करता हूँ कि गाड़ी कहीं राइट से और लेफ्ट साइड से कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो गाड़ी की जो डोर होते हैं, डोर के साइड में जो रबड़ होती हैं, आपको रबड़ को खींचना है। रबड़ को खींचने के बाद आपको यहाँ से देखना है यहाँ पर कहीं डेंट पेंट तो नहीं है। गाड़ी ये आप देख सकते हो, गाड़ी में हल्की सी डस्टिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसमें डेंट पेंट नहीं है, ये गाड़ी मतलब एक्सीडेंटल नहीं है। तो ये दोनों जगह से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ आप देख सकते हो फिनिशिंग एकदम फिनिश है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी में कहीं रस्टिंग तो नहीं है इन जगह पे, जैसे कि यहाँ पे इसमें हल्की सी रस्टिंग है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हो जो खिड़की के जॉइंट होते हैं यहाँ पे तो रस्टिंग नहीं है, कई बार यहाँ से गाड़ियाँ गल जाती हैं नीचे की साइड से। तो चारों खिड़कियों को आप चेक कर सकते हो इसके साथ ही। इसके साथ ही आप नीचे की साइड भी देख सकते हो गाड़ी में यहाँ पे ही रस्टिंग आ जाती है कभी कभी, और इंजन। इसके साथ ही आपको नीचे की तरफ हाथ डालना है इसमें और चेक करना है पीछे वाले टायर पे कि जो बॉडी होती है उसमें रस्टिंग तो नहीं है, गली तो नहीं है कहीं बॉडी। अब दोस्तों आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपकी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल थी, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप की कोई गाड़ी है तो यहाँ पर जो है सीएनजी की वो छेद कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लगा देते हैं मीटर जो होता है उसका, इस जगह पर या इस जगह पर छेद करने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा प्रूफ आपके लिए एक ही रह जाता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। तो सीएनजी सिलेंडर को चेक करने के लिए कि इस जो आप गाड़ी खरीद रहे हो पेट्रोल में, बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने इसमें पेट्रोल में ही चलाया, गाड़ी का बूट इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो सिलेंडर रखा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से दिख नहीं रहा है ये, तो यहाँ पर जो हिंगलैंड जो जिस पर ये टिका हुआ होता है उस जगह पर चार छेद कर दिए जाते हैं, दो इस जगह पर और दो इस जगह पर। तो उस चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी में जो है सीएनजी सिलेंडर रखा हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको बता दूं कि गाड़ी का इंजन कितना चला हुआ है। 1.5 लाख किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, बंदे ने मीटर को बैक करा रखा है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे इंजन बाकी जो कंडीशन है वो बाकी सही है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक तो फ्यूल गेज को चेक कर सकते हो उसमें से स्मोक आ रहा है या नहीं, उसके बाद आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो इंजन ऑयल के जो कैप है उसको हटा कर, और इसमें से अगर ऑयल जो है मतलब फव्वारे की तरह फेंक रहा है तो वो गाड़ी आपको नहीं लेनी है। यहाँ भी अगर आपको स्मोक आ रहा है तो नहीं लेनी है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आप पेट्रोल की गाड़ी खरीदो या डीजल की गाड़ी खरीदो, तो मैं बैक साइड में आ जाता हूँ गाड़ी के, आपको क्या करना है गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उस साइलेंसर में आपको उंगली डालकर देखनी है, डीजल की गाड़ी हो या पेट्रोल की गाड़ी हो। उंगली डालने के बाद में अगर आपके हाथ में कार्बन आ रहा है ड्राई सूखा पाउडर जैसा आ रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में क्रीम टाइप का अगर आ रहा है, डीजल की कार खरीद रहे हो तो आप क्रीम आ रही है जैसे एकदम गीला गीला आ रहा है क्रीम आ रही है, तो उस गाड़ी को भूल से भी मत ले लेना, क्योंकि उस गाड़ी का इंजन होने वाला है सेम यही कंडीशन पेट्रोल में। तो इसका मतलब आप देख सकते हो इस गाड़ी की जो कंडीशन है इंजन की बहुत अच्छी है, मतलब कि 50% तक अच्छी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे ये चीज़ पेट्रोल में हो या डीजल में हो, आपको ये चीज़ चेक करनी है। आपको अगर बहुत कुछ नहीं आता है, ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हो, तो अगर सीएनजी की कार ले रहे हो यहाँ से पानी टपकता है, कई बार आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियों में, तो पानी अगर टपक रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रीज़न मैं आपको बता दूं कि अगर गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चली हुई तो आप चेक कर सकते हो जो डिस्क का जो व्हील होता है, अगर वो व्हील जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये कॉर्नर पर इतना ये घिस गया है, इसका मतलब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है। इसके जो डिस्क पैड में जो है डिस्क जो व्हील होता है सॉरी वो जो है घिस चुका है, जिसकी वजह से जो डिस्क पैड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसका मतलब गाड़ी 1.25 लाख किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है। इसके साथ ही आपको गाड़ी का पेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बम्पर फ्रंट बम्पर और जो रियर बम्पर होता है उसको तो आप चेक करना थोड़ा मुमकिन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसको चेक करने के लिए पेंट को आपको गाड़ी की जो छत होती है उसका जो कलर होता है वो जेन्युइन होता है। तो गाड़ी पर कहाँ कहाँ पर कलर हुआ है इसमें मैं आपको बता दूँ, इसकी जो दोनों विंडो हैं आप देख सकते हो यहाँ पर हल्के हल्के से माइनर से वो स्क्रैच से आ रहे हैं, तो जो कंपनी का जो कलर होता है उसमें एक अलग ही शाइनिंग होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो छत वाला जो पोर्शन है
उस पर जेन्युइन कलर हो रखा है, लेकिन जो साइड में यहाँ भी आप देख सकते हो, ये आपको सब दिख रहा होगा, यहाँ पर कलर हो रखा है थोड़ा थोड़ा। अब आप ये कैसे पता करोगे कि गाड़ी जो है रीपेंटेड है, पूरी गाड़ी पे दोबारा पेंट हुआ है, उसके कलर की चमक ही थोड़ी सी अलग होती है। तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है कि जो फ्रंट वाला जो शीशा होता है, और शीशे के पास आपको जाना है, और जाने के बाद आपको ये जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो पट्टी है, देखो ये यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है, मैंने जिस जगह पे उंगली रख रखी है वाइट कलर आ रहा है। इसका मतलब क्यों आ रहा है? क्योंकि इस जगह पे कलर हो रखा है, इस पोर्शन पे भी, इस गाड़ी के पोर्शन पर कलर हो रखा है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है गाड़ी के कलर को चेक करने के लिए। आपको जो शीशे की जो पट्टी होती है यहाँ पर आपको जाना है, और ये जो कलर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मिल जाएगा इस कॉर्नर पर, यहाँ पर डम मिलेगा कलर और यहाँ पर थोड़ा वाइट मिलेगा। तो कलर का मैंने दोस्तों आपको बता दिया। अब दोस्तों बात आती है गाड़ी के इंजन नंबर और चैसिस नंबर की। तो इंजन नंबर और चैसिस नंबर के लिए आपके यहाँ पर एक प्लेट होती है, जैसा कि आप देख सकते हो ये हो गया आपका इंजन नंबर, और यहीं पे आपका एक वाइन नंबर, ये होता है आपका चैसिस नंबर। यहाँ से भी आपको ये चीज़ जो है RC पे मैच करनी है। इंजन नंबर तो गाड़ी के बेस तो मेनली गाड़ी के नीचे होता है, इंजन के अंदर होता है, उसको चेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको आप चेक नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन RC पे आप चेक कर सकते हो इंजन नंबर को और चैसिस नंबर को। आपको चेक करना है गाड़ी का जो चैसिस नंबर होता है, कई गाड़ियों का जो चैसिस नंबर होता है वो यहाँ पे होता है, किसी कंपनी का यहाँ पे होता है चैसिस नंबर, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे होता है, कई ऐसी ऐसी जगह होती है वहाँ पर इंजन जो चैसिस नंबर होता है। आप चैसिस नंबर को जो है गाड़ी के RC से मिलाकर देख सकते हो। गाड़ी लेने से पहले अगर आप 1-2 लाख जितने की भी आपका बजट है उस हिसाब से आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो जिस बंदे से आप गाड़ी खरीद रहे हो आप गाड़ी उसी बंदे से खरीदो जिस बंदे के नाम से गाड़ी की RC हो, ठीक है। और उस बंदे की RC की फोटोकॉपी आप लेकर जाओ RTO में और उसको चेक कराओ कि गाड़ी जो है जेन्युइन है या नहीं, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंटल तो नहीं है कभी, या मतलब कोई क्लेम तो नहीं चल रहा गाड़ी पे, या कोई चालान वालान तो बकाया नहीं है, या गाड़ी जो है मतलब इसी बंदे के नाम से है या नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको चेक कराना चाहिए RTO से। अब दोस्तों हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर की साइड जाते हैं हम, और गाड़ी के अंदर की साइड हम देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी को स्टार्ट करके देखना है, 10 से 12 बार आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, बंद करना है, स्टार्ट करना है, बंद करना है। इसके बाद आप देख सकते हो गाड़ी की जो मीटर है क्या वो दिखा रहा है, इसमें आप देख सकते हो 68,839 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि ये गाड़ी 68,839 किलोमीटर चल चुकी है? मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि ये गाड़ी 10 साल पुरानी है और मैं इसका 3rd ओनर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 3 लोगों ने इस गाड़ी को दिल्ली के अंदर 70,000 किलोमीटर ही चलाया है। ये गाड़ी लगभग 1.25 लाख किलोमीटर तो चल गई होगी मेरे हिसाब से। अगर आप किसी डीलर के पास भी जाते हो ना गाड़ी खरीदने, 10 साल 7 साल 12 साल पुरानी गाड़ी, तो उनके जो मीटर की जो रीडिंग होती है वो 65,000 किलोमीटर चली है भाई, 70,000 किलोमीटर चली हुई है, 72,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को वो आपको दिखाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मीटर को बैक कर लेते हैं। उनकी गाड़ियां जो है 1 लाख किलोमीटर, 1.25 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई होती हैं। तो लाइट है, इसका मतलब इंजन में थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है, तो वो भी आपको चेक करना है। इसके साथ ही आप गाड़ी की AC चेक कर सकते हो, गाड़ी की AC चेक चल रही है या नहीं, गाड़ी हीट दे रही है या नहीं, हीटर काम कर रहा है या नहीं, गाड़ी में AC प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, और गाड़ी AC पे चलाने में कितना दब रही है। अगर दोस्तों गाड़ी 1-1.5 लाख किलोमीटर चल गई है ना 101%, उस गाड़ी को आप CNG में चलाओगे ना तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा दबेगी, मतलब जैसे साइकिल चलती है ना उस हिसाब से चलेगी, फिर वो मोटरसाइकिल से भी कम मतलब जो है पिकअप लेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है आप लोगों के लिए AC से उसको चेक करने का। इसके बाद आप चेक कर सकते हो गाड़ी का जो गियर बॉक्स है, जो ये कहीं जो गियर होते हैं वो अटक तो नहीं रहे, स्टक की जो प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये अटकने वाली प्रॉब्लम है तो इसका मतलब जो कंसोल होता है इसका वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी अटकते हैं गियर। तो दोस्तों फाइनली इस गाड़ी पुरानी गाड़ी को ख़रीदने के लिए क्या क्या आपको समझ रखनी है, जब भी आप पुरानी गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं आपको क्या क्या चेक करना है, मैंने प्रॉपरली पूरे ढंग से आपको समझा दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 101% मेरे हिसाब से एक अच्छी डील कर पाएंगे, एक अच्छी गाड़ी ख़रीद पाएंगे अपने लिए।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार ज़रूर बताना कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकई अच्छा था, वाकई इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए एक अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।